वेलकम टू के एन पी एनालिसिस। तो जैसा कि आपको पता है, हम डेली एक यूपीएससी टॉपर पीएसआईआर ऑप्शनल की कॉपी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी वे में हम दो कॉपी डिस्कस कर रहे हैं, एक सत्यम गांधी सर की और एक रिया डावी मैम की, एक रिया डावी मैम की। तो दोनों कॉपी का सेम क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। वो सेम क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक को भी पूरा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी, कंप्लीट देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कि पूरा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप भी पीएसआईआर के सारे टॉपिक्स जानना चाहते हैं या उनके आंसर्स देखना चाहते हैं, मेन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और जैसा कि हर यूट्यूबर कहता है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं इनका, जो कंसेप्ट ऑफ धर्मा के बेस में है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो को 10 सेकंड स्किप कर सकते हैं अगर आपके में वीडियो आई नहीं है तो अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4, हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 या 1 का ई पार्ट बोल दीजिए। कंसेप्ट ऑफ धर्मा इन इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी। रिया डावी मैम के में भी यही टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं सत्यम गांधी सर से। और मैं बताऊंगा आपको इनकी, इन्होंने सोर्स क्या लिखा, यानी कि आप देखोगे कि भाई लाइन टू लाइन, मतलब एकदम कॉपी जो है वो इन्होंने किस सोर्स से की है, मैं वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। करते हैं डिस्कस करते हैं, पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो कंसेप्ट ऑफ धर्मा इन्होंने लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ धर्मा इज डेल्ट अंडर द धर्मशास्त्र ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी। यानी कि जो धर्म है वो धर्मशास्त्र में है, इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी में। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि भीकू पादेक, एक स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने, भीकू पादेक सेज दैट धर्म एंड देवोड़ा आर टू कॉर्नर स्लोप कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदू फिलोसफी। यानी कि धर्म जो है वो एक हिंदू फिलोसफी का कॉर्नर स्टोन है, ऐसा अपन मान के चल सकते हैं। कॉर्नर स्लोप है शायद, है ना। तो हिंदू फिलोसफी का मतलब एक मेन पॉइंट जो है या एक मेन कंसेप्ट जो है वो धर्म आता है। बात करें कि धर्म में आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब ये इंट्रोडक्शन हो गया, देखिएगा ध्यान से। इन्होंने पहले क्या बताया कि धर्म का कहाँ पे है, तो धर्मशास्त्र में है। फिर उन्होंने बता दिया भीकू पादेक ने उस पर क्या कमेंट्री की हुई है। लेकिन अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कॉमनली धर्म इज कन्फ्यूज विद रिलीजन। जैसे अभी मैंने धर्म बोला तो आप तुरंत अपने रिलीजन पे चले गए होंगे, ऐसा नॉर्मल होता है। लेकिन बट इट इज नॉट ट्रू, ऐसा ये बोल रहे हैं, सही नहीं है, सही बात है। ऋग्वेद सेज दैट पृथ्वीम धर्मा धृतन। अब आपने सोचा होगा भाई इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लिया है ना, अब ये तो कहीं से अलग से लाइन लेके आए। लेकिन मैं अभी आपको एक ऐसे नोट्स दिखाने वाला हूँ जो आप देखोगे कि भाई ये तो लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, इन्होंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, बस इन्होंने उसे पढ़ के यहाँ पे यूज कर लिया है। तो पृथ्वीम धर्मा धृतम मीन्स धर्मा होल्ड्स लाइफ ऑन द अर्थ। यानी कि जो धरती पर, पृथ्वी पर जो लाइफ है, जो जीवन है, अगर उसे कोई संयम रखता है, उस पर कोई संयम रखता है, तो वो उस पर कोई नियंत्रण रखता है, तो वो कौन है? धर्मा। वो कौन है? धर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ गिवन मनु, फर्स्ट लॉ गिवर जो थे वो मनु थे, धर्म इज वन ऑफ द 4 पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ बताए गए, उनमें से धर्म एक है। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जब तक 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद इट मीन्स डूइंग ड्यूटी असाइंड बाय योर बर्नर। धर्म का मतलब क्या है? ठीक है, मनु ने बता दिया कि 4 पुरुषार्थ में से एक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके बर्न को जो ड्यूटी दी हुई है, जो काम दिया हुआ है, आप उसे करो। ये मनु के अनुसार धर्म की व्याख्या है, ठीक है। इन्होंने ये चीज लिखी, मनु सेज दैट धर्म इज एसेंशियल टू द सोसाइटी, अदरवाइज देयर विल बी कंप्लीट अराजकता, एनार्की, यानी कि एक तरह से मार धाड़ ये सब चलेगा। तो ये मनु कहते हैं। अब एक बार थोड़ा सा और देख लो दोबारा से, पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर उन्होंने बताया धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है, धर्म क्या है बल्कि ऋग्वेद कहता है पृथ्वीम धर्मम धृतिम, है ना, यानी कि धर्म जो है वो लाइफ को नियंत्रण करता है। फिर उन्होंने बताया कि धर्म मनु के अनुसार क्या है, 4 पुरुषार्थ में से एक है, जो कहता है कि जो तुम्हारे बर्ड को ड्यूटी मिली है तुम उस ड्यूटी को पूरा करो। फिर इन्होंने बताया कि मनु क्या बोलता है, मनु बोलता है कि जो धर्म है वो सोसाइटी के लिए आवश्यक है, अदरवाइज जो सोसाइटी अगर धर्म नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट अराजकता, यानी कि एनार्की आ जाएगी। अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं, अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौटिल्य को भी लिया यहाँ पे। कौटिल्य ऑल्सो सेज दैट इट इज क्षत्रिय धर्म। कौटिल्य भी क्या बोलते हैं कि क्षत्रिय धर्म है। क्या है क्षत्रिय धर्म? टू फाइट वार, यानी कि क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध लड़ना, है ना। वो बताते हैं ना राजा का धर्म क्या है, युद्ध लड़ना।
सम वॉज द व्यू ऑफ श्री कृष्ण एंड महाभारत, सेम वॉज द व्यू ऑफ श्री कृष्ण एंड महाभारत। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को भी तो ये बोला था कि तेरा काम है युद्ध लड़ना, तू युद्ध लड़। सामने कौन माना जाता है वो एक पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर युद्ध में एक धर्म क्षेत्र का युद्ध है तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे इन्होंने श्री कृष्ण का भी मेंशन कर दिया। बहुत अच्छे है ना। फिर उसके बाद लिखते हैं दस धर्म फॉर्म्स द ग्लू दैट होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर, यानी कि धर्म जो है एक ऐसी ग्लू बनाता है जो सोसाइटी को एक साथ होल्ड करता है। कैसे होल्ड करता है, जैसे मान लो मेरा धर्म है कि भाई किसी को मारना नहीं है, अब मैं भी नहीं मारूंगा, अभी मेरे फैमिली में फिर सोसाइटी में तो तुम भी किसी को नहीं मारोगे, वो भी किसी को नहीं मारेगा, तो यानी कि एक रूल सा बनता चला गया, एक नॉर्म बनता चला गया, ठीक है, जो ऐसे नॉर्म होते हैं कि ये बनते चले गए, ठीक है। अब धर्म जो है इस वजह से सोसाइटी को एक साथ रखे हुए है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर, दस व्यू ऑफ द ड्यूटी कम्स क्लोजर टू द प्लेटोस आइडिया ऑफ जस्टिस फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस। अरे भाई प्लेटो का अगर आपको ध्यान हो तो उसने भी तो ये बोला था कि जो राजा है वो फिलोसोफर किंग होना चाहिए, यानी कि उसे अपने सब्जेक्ट में नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसने बोला कि फिलोसोफर किंग की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर उसने बोला कि क्या होना चाहिए, जो क्षत्रिय है या जो ट्रेड करेंगे वो अगर टेस्ट में पास नहीं हो पाते वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसने बोला कि जो वुमेन है यानी कि जो फैमिली है वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, कॉमन फैमिली होनी चाहिए, यानी कि हर कोई अपना काम सही से कर सके, उसके पास कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, कोई भी एक मेटेरियलिस्टिक अप्रोच ना हो। तो ये सारा प्लेटो ने बोला हुआ था, अगर आपको प्लेटो याद आ रहा है तो, ठीक है, ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं फिर क्या लिखते हैं ये, हाउएवर इन टूडेज बर्ड धर्म इज ऑफन यूज टू इंसाइट कम्युनल वायलेंस, धर्म के नाम पे जो लोग कम्युनल वायलेंस करते हैं ऐसा ये बोल रहे हैं। इन दिस केस वी मस्ट रिमेंबर द मैसेज ऑफ कृष्ण एंड कौटिल्य एंड नॉट कन्फ्यूज धर्म विद रिलीजियस चौवेनिज्म, यानी कि हमें इस समय कृष्णा का और कौटिल्य का स्टेटमेंट याद रखना चाहिए, धर्म को किसी के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इन्होंने लिखना क्या चाहा है। इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, आप देख लीजिएगा एक बार, इन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई क्या चाहते हो तुम। इन्होंने बोला कि धर्म जो है वो एक धर्मशास्त्र में, फिर उन्होंने भिगू पारेक का नाम दिया, भिगू पारेक ने बोला कि धर्म एंड दाऊद आर ऑल्सो कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदू फिलोसफी। यदि मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको सही बताऊं तो ये वाला वर्ड क्या लिख रहा है आप बता सकते हो, है ना। तो धर्म और जो धर्म या बाकी जो भी कुछ है वो कॉर्नर स्टोन है हिंदू फिलोसफी का। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि धर्म जो है वो रिलीजन के साथ कन्फ्यूज किया जाता है, जो कि गलत है। इन्होंने बताया कि ऋग्वेद कहता है पृथ्वीम धर्मम धृतम, यानी कि लाइफ जो है पृथ्वी पे वो धर्म की वजह से है। फिर इन्होंने नेक्स्ट में क्या बताया, इन्होंने नेक्स्ट में बताया कि मनु जो थे वो फर्स्ट लॉगिवर थे। धर्म इज द बन ऑफ एरिया ऑफ पुरुषार्थ, और धर्म का मतलब क्या है कि आपके जो बर्ण को काम मिला है वो आप कीजिएगा। मनु क्या कहते हैं, मनु कहते हैं कि धर्म जो है वो इसेंशियल है सोसाइटी के लिए, बढ़ना अराजकता हो जाएगी सोसाइटी में। इसके बाद कौटिल्य क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि धर्म क्षत्रिय धर्म है युद्ध लड़ना, ठीक है, श्री कृष्णा ने भी महाभारत में यही बोला था। इसके बाद धर्म क्या बोलता है, धर्म जो है वो एक सोसाइटी को एक साथ रखता है। व्यू ऑफ ड्यूटी कम्स क्लोजर टू प्लेटोस आइडिया, ये बहुत अच्छा है। देखो आप, इन्होंने यहाँ पे कैसे प्लेटो को ऐड कर दिया धर्म के नाम पे, ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है, अपन यहाँ से सीख सकते हैं कुछ, ठीक है। और टू डेज में इन्होंने बता दिया क्रिटिसिज्म का कि धर्म के नाम पे कम्युनल बैलेंस कर दो, आपने कौटिल्य और कृष्णा को याद रखना है। सेम क्वेश्चन रिया डावी मैम की कॉपी है ये, है ना, ये रिया डावी मैम की कॉपी है, आपको दिखा दूँ नाम, विश्वास ना हो तो आपको नाम भी दिखा दूँ, विश्वास ना हो तो ये रिया डावी मैम की कॉपी है, ठीक है, ये रिया डावी मैम की कॉपी है। तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, रिया डावी मैम की कॉपी को, इसका भी सेम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोज नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। कंसेप्ट ऑफ धर्म इन इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ धर्म एंड दंड, दे डिफर इन द टर्म्स ऑफ डिग्री एंड नॉट काइंड। अरे वो जो वहाँ पे लिख रहा होगा ना, जो समझ नहीं आ रहा था वो दंड लिख रहा था, ठीक है, सत्यम गांधी सर की कॉपी में भी दंड लिख रहा था वो, है ना, धर्म एंड दंड। तो अपन यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी है, वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वो धर्म और दंड दो चीज़ों से, कंसेप्ट से बनी हुई है, धर्म और दंड, ये चीज समझ आई। इसके बाद दे डिफर इन द टर्म्स ऑफ डिग्री एंड नॉट काइंड, यानी कि वो डिग्री में डिफर होते हैं, काइंड में डिफर नहीं होते, ये चीज अपने को याद रखनी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है उन्होंने,
देयर इज नो एप्रोप्रिएट वर्ड अवेलेबल इन एनी ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज विच कैन बी ट्रीटेड एज एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द इंडियन वर्ड धर्म। यानी कि यूरोपियन लैंग्वेज में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे आप धर्म से कंपेयर कर सको या ट्रांसलेट कर सको। अब बात यह है, ये वाली लाइन इन्होंने लिखी कहाँ से, मैं आपको एकदम जस्ट कॉपी पेस्ट दिखाता हूँ ये वाली लाइन इन्होंने लिखी कहाँ से है। ये देखो, ये ना सुब्रा रंजन मैम के नोट्स हैं, अब इसमें मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी लाइन है। आप यहाँ पे देखो, व्हाट इज धर्म, यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे है, व्हाट इज धर्म, ये रहा क्वेश्चन, दिख गया आपको व्हाट इज धर्म। देयर इज नो एप्रोप्रिएट वर्ड अवेलेबल इन एनी ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज विच कैन बी ट्रीटेड एज एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन वर्ड धर्म, इट शुडंट बी कन्फ्यूज्ड विद रिलीजन। बोलो है सेम लाइन की नहीं है, सुब्रंजन मैम के नोट्स में और रिया डावी मैम के नोट्स में। समझ गए मैं क्या कहना चाहता था इतनी देर से, यानी कि सुब्रंजन मैम के नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इट शुडंट बी कन्फ्यूज्ड विद एनी रिलीजन, अपन ये याद कर सकते हैं कि ये किसी भी रिलीजन के साथ कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो बिल्कुल सेम लाइन है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, धर्म इज दैट वेहीकल होल्ड्स लाइफ ऑन दिस अर्थ, जो सत्यम गांधी सर ने लिखा था, पृथ्वीम धृतम धृति, है ना, वो क्या था, वो जो भी स्टेटमेंट था, ठीक है, वो वाला स्टेटमेंट यहाँ भी इन्होंने सेम उसका ट्रांसलेशन करके लिख दिया। इफ वी डोंट फॉलो धर्म देन इट विल लीड टू एनार्की, जो अराजकता लिखा था उन्होंने, एंड कैटेस्ट्रॉफ एंड एंड लाइफ ऑन अर्थ, उन्होंने भी ये बात लिखी थी कि अगर हम धर्म को फॉलो ना करें तो अराजकता आ जाएगी सोसाइटी में, यहाँ भी इन्होंने सेम बात लिखी है। धर्म इज डिस्कस्ड इन धर्मशास्त्र, सत्यम गांधी सर ने ये बात अपने इंट्रोडक्शन में लिखी थी अगर आपको याद हो तो, फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति में उन्होंने अपना ये धर्म जो है दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, इन्होंने क्या लिखा है खत्म करके, फिर एक और सुब्रंजन मैम के नोट्स में भी देखेंगे उन्होंने क्या लिखा है। तो धर्म जो है श्रुति पे बेस्ड है, श्रुति रिप्रेजेंट द वेदास एंड श्रुति कंटेन द कॉस्मिक लॉ, है ना, यानी कि धर्म श्रुति पे, श्रुति वेदास के आधार पे, और जो श्रुति है वो कॉस्मिक लॉ उसको कंटेन करती है। श्रुति का मतलब होता है जो हमने सुना हुआ है, उसे हम श्रुति बोलते हैं। धर्म इज लॉ टू गवर्न द ह्यूमन सोसाइटी, धर्म जो है वो ह्यूमन सोसाइटी को गवर्न करने का लॉ है, ये अपन पढ़ सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन RTA, ये RTA बहुत अच्छा टर्म है ना, अपन याद कर सकते हैं इसे किसके पर्सपेक्टिव में, PSIR ऑप्शनल में, धर्म के पर्सपेक्टिव में RTA है ना, ये मत सोचना स्पेलिंग गलत है। मनुस्मृति कंटेन्स द फॉलोइंग आइडियाज रिलेटेड टू धर्म, मनुस्मृति ने धर्म से रिलेटेड कुछ आइडियाज दिए हैं। पुरुषार्थ, जो सत्यम गांधी सर ने मेंशन किया था, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जो वहां पे इन्होंने लिखा था कि धर्म जो है वो चार पुरुषार्थ में से एक है, तो ये थे चार पुरुषार्थ के नाम जो रिया डावी मैम ने मेंशन कर दिए। इसके बाद फिर इन्होंने क्या लिखा है, कंसेप्ट ऑफ आश्रम्स, कंसेप्ट ऑफ वर्ण मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो ईच वर्ण इज टू फॉलो इट्स धर्म, ये सत्यम गांधी सर ने भी लिखा था कि अगर जो भी धर्म का मतलब है कि हर एक वर्ण अपनी ड्यूटी को फॉलो करे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ किंग इज टू एंश्योर दिस, और ये कौन निर्धारित करेगा, राजा, कि सब अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दस द किंग हैज द रॉड ऑफ दंड, यानी कि इसीलिए किंग के, राजा के पास दंड का प्रावधान है। द किंग इज ऑलवेज अंडर धर्म, राजा जो है वो हमेशा धर्म के अंतर्गत रहेगा। एक बार जस्ट ऐसे देख लेते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है, है ना, इंट्रोडक्शन में इन्होंने इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू किया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट से, और सत्यम गांधी सर ने क्या किया था, धर्मा से, उन्होंने बोला था कि धर्मा जो है धर्मशास्त्र में, फिर उन्होंने भीखू पारेख जो है भीखू पारेख का स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने बताया धर्म एंड दंड दो पॉलिटिकल थॉट के दो प्रिंसिपल हैं, ये भी चीज़ अपन याद कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर इन्होंने बताया कि कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो यूरोपियन ट्रेडिशन में आराम से अवेलेबल हो, ठीक है, जो हम इसे ट्रांसफर करके बता सकें कि धर्म की परिभाषा है। ये भी सुब्रंजन मैम के नोट्स में मैंने आपको दिखाया, जो अभी बाकी नोट्स भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। फिर उन्होंने ऋग्वेद में बोला कि धर्म का मतलब है कि जो वेहीकल है, वेहीकल होल्ड्स लाइफ ऑन दिस अर्थ, धर्म जो है एक ऐसा वाहन है जो इस धरती पर जीवन को रोके हुआ है, अगर हम उसे फॉलो नहीं करते तो अनार्की, अराजकता वगैरह आ जाएगी धरती पर, लाइफ खत्म हो जाएगी। धर्म इज डिस्कस्ड इन द धर्मशास्त्र, मनुस्मृति में धर्म को डिस्कस किया गया है। स्मृति इज बेस्ड ऑन श्रुति, स्मृति जो है वो श्रुति पे बेस्ड है, और जो श्रुति है वो वेदाज को रिप्रेजेंट करती है, श्रुति वेदाज को रिप्रेजेंट करती है। फिर उन्होंने बताया श्रुति इज कंटेन द कॉस्मिक लॉ,
फिर इन्होंने बताया धर्म इज लॉ टू गवर्न द ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी को कौन गवर्न कर रहा है? धर्म, है ना। मनुस्मृति में चार चीजें बताई हैं, दो तीन चीजें बताई हैं, पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कंसेप्ट ऑफ आश्रम, कंसेप्ट ऑफ वर्ण, ये धर्म के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए हर एक वर्ण को अपना धर्म जो है वो फॉलो करना चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है? राजा की। राजा के पास इसीलिए दंड का प्रावधान है और कि राजा जो है वो खुद भी धर्म के अंतर्गत रहेगा। लेकिन अब मैंने बोला आपको लास्ट में कि मैं सुब्रत रंजन मैम के नोट्स में ही बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या लिख रखा है। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे अच्छे से, ये चीज़ आप देख रही नहीं, यार ये फोटो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख रहे होंगे अच्छे से, सुब्रत रंजन मैम के नोट्स हैं, अगर आपने देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिख रहा है, देखो सुब्रत रंजन मैम PSIR नोट्स, है ना, ये चीज़ देख लीजिए क्या कहते हैं ये। धर्म के बारे में बात कर लें तो इन्होंने लिखा है कि देयर इज नो अप्रोप्रिएट बर्डन अवेलेबल ऑन द लाइफ ऑफ इन द यूरोपियन लैंग्वेज। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, इंडियन वर्ड धर्म है, इट्स स्टूडेंट भी कन्फ्यूज विद रिलीजन। कॉपी पेस्ट पहला। दूसरा देखो, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद पृथ्वीम धर्मम धृतिम, जो सत्यम गांधी सर ने भी लिखा है और इनडायरेक्ट में दिया डाबी मैम ने भी लिखा है, विच मीन्स धर्म इज दैट विच होल्ड्स द लाइफ ऑन दिस अर्थ। बोलो सेम लाइन है कि नहीं है, बताओ सेम लाइन है कि नहीं है, है ना, सुब्रत रंजन मैम के नोट्स में से तो इन्होंने भी यहाँ से लिखी है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि वॉट विल हैपन इफ वी विल नॉट फॉलो धर्म, इट विल लीड टू अराजकता एनार्की। बोलो अगेन सेम लाइन है कि नहीं है, यानी कि इन्होंने भी यहाँ से कॉपी पेस्ट मारा है, है ना। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन देख लो, इसके बाद नेक्स्ट लाइन देख लो, जो वहाँ पे कैटेस्ट्रोफ लिखा था रिया डावी मैम ने, ठीक है, एंड टू लाइफ ऑन अर्थ, सेम चीज़ मिली कि नहीं मिली। धर्म इज डिस्कस्ड इन द धर्मशास्त्र, बोलो पता है कि नहीं पता। मोस्ट वेल नोन धर्मशास्त्र इज मनुस्मृति, बोलो लिखा ही नहीं लिखा। रिया डावी मैम ने स्मृति इज बेस्ड ऑन श्रुति, बोलो लिखा था कि नहीं लिखा था, है ना। मनुस्मृति कंटेन द फॉलोइंग आइडियाज रिलेटिंग टू धर्म पुरुषार्थ, बोलो लिखा है सब ने, नहीं लिखा। धर्म अर्थ काम मोक्ष लिखा है रिया डावी मैम ने, नहीं लिखा, है ना। इसके अलावा इन्होंने फिर क्या लिखा है, कंसेप्ट ऑफ आश्रम रिया डावी मैम ने मेंशन किया था कि नहीं किया था, बताओ। ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, चार आश्रम होते हैं। कंसेप्ट ऑफ वर्ण, बोलो लिखा है हमने, नहीं लिखा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ईच वर्ण इज टू फॉलो इट्स धर्म, बोलो इन्होंने लिखा था कि नहीं लिखा था। वर्ण इज नॉट फॉलो अराजकता प्रलय एंड, ये लिखा था नहीं लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ किंग इज टू एंश्योर दैट वर्ण फॉलोज देयर धर्म, ये भी रिया डावी मैम ने अपने कंक्लूजन में लिखा है। दस फोर रीजन द किंग हैज द रॉड ऑफ दंडा, और बोलो ये भी रिया डावी मैम ने अपने कंक्लूजन में लिखा है। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इन्होंने एक साथ लिखी हैं, कॉपी पेस्ट मारा है, इसीलिए सुब्रा रंजन मैम के नोट्स जो है वो काफ़ी हैं। मैं ये भी बताता हूँ, टॉपिक भी समझ आ गया आपको धर्म में, इससे ज़्यादा आपको धर्म में ना कोई पूछने वाला, ना इससे ज़्यादा कभी लिखना, लेकिन अगर इतना पढ़ लिया तो ये बात है कि नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे और सारे टॉपर्स यहीं से लिखेंगे, तो आप क्या ही अलग करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आ रहा होगा ये सेशन जो हमारे चल रहे हैं एपिसोड्स, ठीक है। अब तक हम आज ये पांचवा था। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यार करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, लाइक कीजिए, ये सारे काम आपने करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।